अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड फिश। उसके लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लिए। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे राहू फिश है, जिसको मैंने सारा दिन नमक लगा के रखा था। इसके सारे पीसेस को मैंने अच्छे से नमक लगाया था धोने के बाद। और इसको ये देखिए, मैंने सारे जो पीसेस हैं मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और फिर इनको नमक लगा के तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे के लिए रखा है। और उसके बाद अब सारे स्पाइसेस इस पर लगा के फिर इसे हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी जो स्मेल होती है जिंजर और गार्लिक के पेस्ट से, वो अच्छे तरह से ख़त्म हो जाती है। साल्ट टू टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके अलावा मेरे पास दगड़ मिर्ची है, जो कि चिली होती है क्रश की होती है, वो इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और गर्म मसाला इसमें हम ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड करेंगे। और सबसे पहले जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी जो फिश की स्मेल होती है हमें वो ना आए, तो इसे अच्छे से जो स्मेल होती है चल जाती है। 2 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और साल्ट टू टेस्ट हम ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मैं वैसे ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और रेड चिली हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिस जो कि क्रश्ड होती है, वो हमने इसमें ऐड की है। और अब हम इसमें टर्मेरिक ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि जो हमारे हाइजीन है उसका भी हमने ख्याल रखना होता है। अब मैं सारे पीसेस पे 1 बाय 1 ये मसाला लगाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये वाला स्टेप करना है। अच्छे से मैं सारे पीसेस पे 1 बाय 1 सारी स्पाइसेस लगा रही हूँ। और अब हमने इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे बेसन ले लिया है। बेसन में भी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम सारे पीसेस को 1 बाय 1 डालेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास रेड चिली है, तकरीबन ये 1 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैंने ऐड किया है और 1 टेबलस्पून हम साल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं और 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसकी ये लुक आ गई है, मैंने लो फ्लेम पे इसको गर्म कर लिया था। अब 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करके इसे फ्राई कर लेंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब 1 बाय 1 मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ इसको, और अच्छे से मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके साइड कर दी थी और अब ये अच्छे से पक गया था। और अब हम इससे डिश आउट कर लेते हैं और इसकी बहुत प्यारी सी लुक आ गई है, बहुत मज़े का ये लग रहा है और बहुत इजी रेसिपी है। मैं आपको एक पीस खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितने अच्छे से पक चुका है, कितनी नरम है। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।